समाजवादी पार्टी नवरात्रि पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगा। इस महीने की शुरुआत में अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा भी की थी। सपा मुखिया ने कहा था, नवरात्रि पर समाजवादी पार्टी वीआईपी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो सपा की पहली लिस्ट में लगभग 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। इनमें ज्यादातर परिवार के सदस्यों के चेहरे हैं, बाकी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनसे अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर मुलाकात कर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1 अक्टूबर को लखनऊ के कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा था कि समाजवादी पार्टी नवरात्रि में कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगी। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट लगभग तैयार है। इस लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नवरात्रि के पहले या दूसरे दिन की जा सकती है। इस लिस्ट में लगभग 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। खास तौर से कुछ वीआईपी सीटों के अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी जातीय समीकरणों के हिसाब से उम्मीदवार घोषित कर पॉलिटिकल माइलेज लेने की तैयारी में जुटी हुई है। नवरात्रि में सपा अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट घोषित कर सकती है, उसमें यादव कुनबे के सदस्यों का नाम भी शामिल रहेगा। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सियासी कुनबे के सदस्य किस सीट से उम्मीदवार होंगे, इसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। सूत्रों की माने तो जिन वीआईपी सीटों की बात अखिलेश यादव ने कही थी, उसमें कन्नौज से खुद अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज में अपने लोगों को चुनावी तैयारी के लिए पहले ही निर्देश दे दिए थे और उनके करीबी लगातार कन्नौज में सक्रिय भी हैं। जबकि मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव, जो वर्तमान में वहीं से सांसद हैं, वो चुनाव मैदान में उतरेंगी। बदायूं सीट से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इतना ही नहीं, आजमगढ़ की सीट, जिसे उपचुनाव से पहले सपा की ही सीट कहा जाता था, वहां पर शिवपाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि शिवपाल यादव को ये तय करना है कि उस सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव मैदान में उतरेंगे। संभल से इस बार परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। संभल से सपा के वर्तमान सांसद शफीकुर रहमान बर्क अब 93 साल के हो चुके हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें फिर से मौका दे, ये मुश्किल लगता है। वैसे भी संभल से मुलायम सिंह यादव भी चुनाव जीते थे और सपा इस सीट को अपने लिए मुफीद मानती है। इसलिए चर्चा है कि तेज प्रताप यादव संभल की सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। परिवार के इन सदस्यों की उम्मीदवारी की घोषणा पहली लिस्ट में की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।